एलजेब्रिक आइडेंटिटी में सबसे पहले जो बेसिक आइडेंटिटी है वो कौन सी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं हम, आ रहा समझ में? फिर क्या आ गया हमारे पास? ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि एक बार इनको जोड़िए एक बार इनको घटाइए आपस में, तो कुछ हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। फिर क्या आता है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आइडेंटिटी है? ठीक है, फिर इसके अलावा क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इसके रूप में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? इसके रूप में लिखते हैं। क्लियर है? फिर और क्या चीज है? फिर इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है हमारे पास? ए प्लस बी होल क्यूब है। तो ए प्लस बी होल क्यूब को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक आ जाता है हमारे पास थ्री ए बी ए प्लस बी, और कभी कभी क्या कर लेते हैं इसको पूरा हम खोल लेते हैं। तो कहीं पे इससे काम चलता है और कहीं पे क्या है पूरा खोलने से काम चलता है। जनरली ये चीज हम कब लगाते हैं? जब ए प्लस बी दिया गया होता है। जनरली इस चीज को हम कब लगाते हैं? जब ए प्लस बी हमें दिया गया होता है। क्लियर है? फिर यहां पे ए माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फिर अलग से जैसे वहां पे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वैसे ही यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है। ये बात समझ में आ रहा है? बस यहां पे ये ध्यान रखना होता है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है जैसे, तो ये क्या आ रहा है? ए प्लस बी, और क्या आ जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां पे इसको हम दो तीन तरह कैसे लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ए बी, या ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी। ये बात समझ में आ रहा है? तो कहीं कहीं पे इनसे भी हमें समझना होता है। ठीक है, जैसे इधर आ जाता है, इधर भी क्या आते हैं? दो टर्म आते हैं। वो दो टर्म कौन कौन से होते हैं? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम इसको भी हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस ए बी माइनस ए बी करिए। क्लियर है? और वैसे ही इसे और क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस ए बी नहीं, हाँ प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस प्लस थ्री ए बी, ए बी नहीं प्लस थ्री ए बी, टू माइनस टू ए बी प्लस, और टू ए बी क्या है माइनस में, तो माइनस टू ए बी इसके साथ चला जाएगा और ए बी इसके साथ हो जाएगा, तो प्लस थ्री ए बी। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे करके हम चल सकते हैं। इससे भी समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, इसकी भी एक अपनी कहानी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी अपनी एक कहानी है। वो कहानी क्या है? अगर ये जीरो है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमारे पास क्या है? जीरो है, तो इसकी भी एक कहानी है। वो कहानी क्या है कि ये दो ऑप्शन हमें देता है। वो ऑप्शन क्या क्या है? या तो ए प्लस बी जीरो होगा, या क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जीरो होगा। आ रहा समझ में? अब हमें यहां पे ध्यान रखना है कि जब ये जीरो है तो यहां दो ऑप्शन है। आ रहा समझ में? लेकिन अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो इसके पास एक ही ऑप्शन है। इसके बेस पे हम ये नहीं बोल सकते ए प्लस बी जीरो है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये जीरो है तो इसके पास यही ऑप्शन है, या ए प्लस बी जीरो है तो यही ऑप्शन है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, क्योंकि क्या है, x इंटू वाई अगर जीरो होता है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि x इक्वल टू वाई जीरो है दोनों। या तो x जीरो होगा या वाई जीरो होगा। दोनों जीरो होगा तो ये फिर क्या है, सिचुएशन नॉट डिफाइन होगी। आ रहा समझ में? जीरो इंटू जीरो का कोई मतलब नहीं होता, जीरो बाई जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ये बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही, क्योंकि ये वाली जो चीज है इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर ये जीरो है तो ये बोलेंगे हम। आ रहा समझ में? ये जीरो है तो ये बोलेंगे, लेकिन ये जीरो है तो ये नहीं बोलेंगे, ये जीरो है तो ये इक्वल टू जीरो है ये नहीं बोलेंगे। आ रहा समझ में?
एलजेब्रा में कहीं कहीं पे ये भी लगता है। सेम यही चीज, अगर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर जीरो है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जीरो है, तो यहां पे भी दो सिचुएशन आती हैं, या तो ये इक्वल टू बी है, या तो या हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आ रहा समझ में? यहां पे भी ये ध्यान रखना है हमें, तो ए इक्वल टू बी है तो उसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ए इक्वल टू बी है तो उसका मतलब ये है। अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो उसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी यूज होता है। ठीक है, फिर और क्या है, अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या है, थ्री ए बी सी है, थ्री ए बी सी है, तो इसके लिए भी क्या है, दो ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और या क्या है हमारे पास, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं है। अगर ये सिचुएशन है तब ये है, ये सिचुएशन है तो ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिचुएशन है तो ये है। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। फिर एक और चीज जो कल मैं बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? तो यहां पे इसका रिजल्ट में एक और चीज बताया था कि ए बी सी अगर क्या है, समान अंतर पे है, ए बी सी समान अंतर पे है, तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर नहीं सॉरी यहां इसका आंसर, हाँ इसी का ही इसका आंसर आएगा, जो वो क्या आ जाएगा, थ्री डी स्क्वायर आ जाएगा, थ्री डी स्क्वायर आ जाएगा। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि ए बी सी समान अंतर पे है तो निकाल लीजिए। आ रहा समझ में? डायरेक्ट निकाल दीजिए थ्री डी स्क्वायर। डी क्या है, जो वो अंतर आ रहा है, जो अंतर आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है एलजेब्रा में, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एलजेब्रा में इतना ही है, बाकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है, बाकी सिर्फ क्या है, ऑब्जर्वेशन का खेल है। एक और सिचुएशन है, वो सिचुएशन, हाँ एक और सिचुएशन है कि अगर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई हो, तो इससे भी हम एक डायरेक्ट रिजल्ट पहुंच सकते हैं। ये बताएगा कि जैसे यहां पे आ गया तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये बताएगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो, ये बताएगा। पता कैसे, यहां पे देखिए ऊपर क्या जाएगा, ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा, इधर एक्स प्लस वाई दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई हो गया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जब ये आता है यहां पे ये चीज ध्यान रखें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो अभी बताया ना ये वाली चीज, ये वाली चीज कहां गई, यहां वाला, ये सिचुएशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू जीरो। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, हम डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है, जब कैसा दे रखा हो, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे भी ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू वाई नहीं है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हालांकि मैथमेटिकली हो जाएगा वैसे, लेकिन है नहीं है, एलजेब्रा की यही खूबी है। आ रहा समझ में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो जीरो है लेकिन x इज इक्वल टू वाई नहीं है, यही वाली चीज आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि वो किसके बेस पे आ रहा है, इसके बेस पे ये रिजल्ट आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर इसी चीज को ये आ गया वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई था, अगर मैं वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई को इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई बोलूं तो क्या हो जाएगा,
ए क्यू प्लस बी क्यूब होना चाहिए इसे, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान रखें क्या हो जा रहा है, यहां पे y माइनस एक्स होगा और यहां x माइनस वाई, आ रहा समझ में? तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, ये बोलेंगे कि x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स होल, आ रहा समझ में? तो क्या आ जाएगा ये x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जा रहा है हमारे पास माइनस एक्स वाई आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो, ये बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट भी आते हैं, ठीक है। अगर माइनस है तो इधर प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस आएगा, और उन्हीं दो नंबर का, उन्हीं दो नंबर का, क्लियर है?